सब्सक्राइब कीजिए ब्यूटी सीक्रेट वाइफ वंदना चैनल को और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। हेलो गाइस, मैं हूँ वंदना और मैं लाई हूँ आज सन टैन को दूर करने के लिए दो बहुत ही अमेजिंग और इफेक्टिव होम रेमेडीज, जिन्हें आप यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपकी स्किन पर आप फर्क देख सकेंगे। जो हम लोग, जैसा कि जानते हैं कि हम लोग जब बाहर जाते हैं धूप में, जो सन टैनिंग की प्रॉब्लम हो जाती है और स्किन डार्क पड़ जाती है सन टैनिंग की वजह से, तो उस सन टैन को कैसे हटाया जाए, उसके लिए मैं बहुत ही बढ़िया आपके लिए आज दो होम रेमेडीज लाई हूँ जिससे आपकी सन टैन की प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं ये होम रेमेडीज कैसे तैयार होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ सबसे पहले एक टमाटर को दरदरा पीस लूंगी। तो ये देखिए टमाटर हमारा पीस के तैयार है। दही डाल रही हूँ। दही और टमाटर के पेस्ट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गाइस, मैं आपको बता दूं कि टमाटर में होता है लाइकोपिन नामक फाइटोकेमिकल जो त्वचा को सनबर्न से सुरक्षा प्रदान करता है, और टमाटर सन टैनिंग नकारात्मक सभी प्रभाव से हमारे त्वचा को प्रोटेक्ट कर सकता है। ठीक है, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब हम इसे अपने स्किन पे जहाँ भी सन टैनिंग की प्रॉब्लम है आपको कहीं भी लगा सकते हैं। मैं आपको अपने हाथों पे लगाकर दिखा रही हूँ। इस तरह से आप अपने हाथों पर इस पेस्ट को लगा लीजिए। कम से कम आधे घंटे तक आपको ये पेस्ट स्किन पे लगा के रखना होगा और आप इस प्रक्रिया को हफ्ते में 3 से 4 बार कीजिए तो आपको डेफिनेटली बिल्कुल सनबर्न से एकदम छुटकारा मिल जाएगा। अब हम देख लेते हैं अपना दूसरा नुस्खा क्या है सन टैन हटाने के लिए। सन टैन हटाने के लिए हम दूसरा पैक बनाएंगे आलू और नींबू की मदद से। तो यहाँ पर हमें एक आलू को पीस लेना है महीन। ये देखिए हमने आलू महीन पीस लिया है। अब मैं इसमें ये आधा नींबू डाल रही हूँ। नींबू और आलू को इस तरह से पीस कर मिलाकर सन टैनिंग की प्रॉब्लम के लिए जब हम इसे यूज करते हैं तो ये स्किन की सन टैनिंग पे बहुत ही अच्छे से काम करता है, क्योंकि नींबू में होता है विटामिन सी और जरूरी कुछ ऐसे खनिज होते हैं जिससे सन टैन हटाने में हमें मदद मिलती है। ये दोनों ही नुस्खे बहुत ही कारगर है गाइस, क्योंकि ये अच्छे से मैंने मिला लिया है। तो अब हम इस नींबू और आलू के पेस्ट को आधे घंटे तक इफेक्टेड एरिया पे लगा लेंगे जहाँ आपको सनबर्न या सन टैन की प्रॉब्लम है। ये देखिए इस तरह से आप लगा के इसको आधे घंटे के लिए छोड़ सकते हैं। और दूसरी चीज ये है इसके बारे में जानने वाली कि आप इसे डेली नियमित रूप से इस्तेमाल कीजिए, आपको एक हफ्ते में ही सन टैनिंग से एकदम राहत मिल जाएगी, बहुत फायदा मिलेगा। अब आपको महंगी महंगी क्रीम सन टैन हटाने के लिए जो आती हैं उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत कारगर नुस्खे हैं। आलू और नींबू वाले नुस्खे को आपको नियमित रूप से इस्तेमाल करना है। दही और टमाटर वाले नुस्खे को आपको हफ्ते में 3 से 4 बार इस्तेमाल करना है। तो अब इसे भी हमें आधे घंटे तक लगा के रखना है। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया है आपको दोनों होम रेमेडी इसी तरह से इस्तेमाल करनी है। गाइस, आपने देखी आज की ये सन टैन को हटाने वाली दो अच्छी सी होम रेमेडीज। तो कैसा लगा आज आपको ये वीडियो, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए मेरे साथ बने रहें। स्टे कनेक्टेड। ओके, बाय बाय।